हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पैन कार्ड अकाउंट नंबर कैसे जोड़ें अपना और अपने नीचे आपने किसी का अगर अकाउंट लगाया है वेस्टिज में तो उसका भी बैंक अकाउंट पैन कार्ड कैसे जोड़ें। चलिए इस वीडियो में जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करते हैं। कोई भी एक ब्राउज़र खोलने के बाद आपको यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना है न्यू बैंक पैन डॉट वेस्टर्न डॉट इन, लिख के आपके सामने कुछ इस तरह से ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद आपको सिंपली सर्च करना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इस पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर आपको आपके सामने आप देख पा रहे होंगे इस तरह का एक पेज खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना आईडी डालना है और नीचे पासपोर्ट डालना है। तो चलिए आईडी पासपोर्ट डालते हैं। आईडी पासपोर्ट डालने के बाद आपको यहाँ ग्रीन वाले कलर जो लॉगिन लिखा हुआ है इस पर टिक क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। पेज खुलने के बाद मैं आपको बता दूँ, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा। नाम शो होने के बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है, बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट पे आप डायरेक्ट आके बैंक अकाउंट यहाँ से डायरेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड बैंक अकाउंट दोनों डाल दीजिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलती है तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अभी सही कर लीजिए। जो आपका पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ को आप अपना यहाँ पर डाल दीजिए। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और डेट ऑफ बर्थ सही करने के बाद आपको यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप कैमरा से फोटो क्लिक कर लीजिए या आपके फ़ोन में अगर कोई फोटो है तो आप यहाँ से मैं एग्जाम्पल कोई फोटो आपको लेके दिखा देता हूँ, मान लीजिए यही। इस तरह से करते ही आपका यहाँ पे पैन कार्ड शो होने लगेगा। पैन कार्ड शो होने के बाद आप यहाँ सेव पेन पे क्लिक कीजिएगा। पहले सेव पेन पे क्लिक करते ही आपके आप थ्रो वेट कीजिएगा। थ्रो वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको फिर यहाँ इस पर बैंक डिटेल्स पे आना है। बैंक डिटेल्स पे आपको फिर यहाँ पे आपका अपना आई एफ एस सी कोड डालते ही आपका यहाँ बैंक नेम शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपका अकाउंट नंबर यहाँ री एंटर अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर आप इसमें डालेंगे वही अकाउंट नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद सेम यही प्रोसेस यहाँ पे आपका चूज़ फाइल का ऑप्शन है। चूज़ फाइल पे जाके या तो आप फोटो क्लिक कर लीजिए या आप अपना फ़ोन से फोटो है आपका तो कोई भी एक सिलेक्ट, जैसे मैं एग्जाम्पल ये फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। फोटो सिलेक्ट करते ही आपके सामने इस तरह से आपका पासबुक शो हो जाएगा। यहाँ पे शो होने के बाद फिर से आप यहाँ सेव पेन पे क्लिक कीजिए। सेव पेन पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर से ये पेज आपको दिखाई देगा। इस तरह से कराया जाएगा तब समझिए आपका बैंक अकाउंट पैन कार्ड ऐड हो गया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर मैं आपको बता दूँ, थ्री डेज़ के अंदर आपको एक मैसेज आएगी जो कुछ इस तरह का होगा। वेस्टिज से आपको एक मैसेज आएगा। ये मैसेज में आप देख पा रहे होंगे वेरीफाइड आपका पैन कार्ड और अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से एक मैसेज आएगा। ये मैसेज आने के बाद आप समझ जाइए आपका अकाउंट और पैन कार्ड दोनों वेरीफाई हो गया है। उसके बाद फिर चलते हैं उसी पेज पे। इस पेज पे आने के बाद आपका तो हो गया। अभी हम बात करते हैं कि अपने नीचे जो मैंने किसी को जोड़ा है तो उसका अकाउंट नंबर और पैन कार्ड डिटेल्स कैसे ऐड करें, उसके लिए आप यहाँ न्यू का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ न्यू का ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। न्यू का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में आप उसका आईडी डालिए जिस व्यक्ति का आपको पैन कार्ड और अकाउंट नंबर जोड़ना है। चलिए उसका आईडी डालते हैं। फाइव जीरो यहाँ पे आप अपना पहले डिस्ट्रीब्यूटर आईडी यहाँ पे डालना है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डालते ही यहाँ पे आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डालते ही उस व्यक्ति का नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो जाएगा जिसका आप पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डालना चाहते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलती है डेट ऑफ बर्थ सही कर लीजिए। उसके बाद उसका पैन नंबर और वही चूज़ फाइल करना है और यहाँ पर फोटो आपका आ जाएगा और फिर यहाँ पर सेव करना है। और फिर यहाँ पर बैंक डिटेल्स पर आते हैं। बैंक डिटेल्स पर आने के बाद IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, री एंटर बैंक अकाउंट नंबर और चूज़ फाइल जो यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेव पेन पे क्लिक कर देना। इस तरह से आपका पेन बैंक अकाउंट और पैन कार्ड दोनों अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरह से करना है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जिस व्यक्ति का आईडी में लगाना चाहते हैं पैन कार्ड बैंक अकाउंट वो आपका नीचे होना चाहिए, वो डाउनिंग में होना चाहिए। आप अपलाइन जो आपसे ऊपर है अपलाइन का
बैंक अकाउंट डिटेल्स आप नहीं डाल सकते हैं, जिसको आपने जोड़ा है जो आपके नीचे है उसी का आप बस बैंक अकाउंट जोड़ पाएंगे अपने अकाउंट से। तो बस वेस्टीज की वीडियो में बस आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें। इसी तरह की वीडियो मैं डालते रहता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। वेस्टीज रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो बगल में हमारा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, तो कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।